इस बेड के अंदर लाइट्स भी नहीं है, सेंसर के साथ जैसे ही बेड आपको सेंस करेगा लाइट्स अपनी ऑन कर देगा। इसके अंदर हमने फ्रिज भी प्लेस कर दिया है, ये हमने माइक्रोवेव ओवन प्लेस कर दिया है कि अगर आप कुछ भी गर्म वगैरह करना चाहें तो आराम से आप कर सकते हैं। नीचे हमने कटलरी रखने की जगह बना दी है, थर्मस की स्पेस दे दी है, रीडिंग लैंप जो है वो एक प्लेस कर दिया है। सारा दिन आप काम करके थके हुए और अपनी प्रीशियस वाइफ की बातें साथ में इग्नोर करना चाहते हैं तो फिर आप इस सेटी पे आके बैठे अपना मूड सेट करें, रिलैक्स हों। मसाजर को कंट्रोल करने का भी आपको रिमोट मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं ऊपर वाला बटन प्रेस करूंगा साथ ही में आपका टीवी जो है वो बाहर माउंट हो जाएगा। अगर टीवी ऊपर करने का रिमोट आपसे घूम गया है तो ये दूसरा रिमोट है, इसको भी आप प्लेस करेंगे तो टीवी आपका ऊपर चला जाएगा। हिडन स्पेस है, स्टोरेज है, यहाँ पे आप अपना फिंगर प्रेस करेंगे, आप इसको आगे करके तो कोई भी चीजें यहाँ पे प्लेस करना चाहें वो कर सकते हैं। रीडिंग लैंप आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसको रिमोट से बंद करूंगा तो ये बंद होना शुरू हो गया है। फ्रंट पे मैंने क्रॉकरी रखने के लिए स्पेस दी है, ग्लास आ सकते हैं, कोई भी चीज आप निकालना चाहें रखना चाहें। इस साइड पे मैंने आपको 5 ड्रॉज दे दिए हैं, स्पेशियस ड्रॉज हैं, कोई भी चीजें आप बच्चों की हो अपनी चीजें हो यहाँ पे आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। सेटी के नीचे भी मैंने आपको यहाँ पे 2 ड्रॉज दे दिए हैं, साइड पे ये आपको सेटी दे दी है जिसके अंदर आपकी प्लेसमेंट्स आ जाएंगी। तो ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये एक स्विच बोर्ड है, इसका बटन आप प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से पूरे आपके स्विचेस सामने आ जाएंगे। मैट्रेस इसका नॉर्मल बेड से मैंने अराउंड 18 इंचेस बड़ा रखा है, मैट्रेस साइज इसका बड़ा है। बेड की लाइट्स अभी आपको सारी बंद नजर आ रही है, जिस तरह से मैं बेड के साथ पीछे आना शुरू होऊंगा बेड मुझे यहाँ से अभी सेंस करेगा तो ये लाइट साथ ही ऑन हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में अगले नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए अब्दुल हनान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।